हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। बात करेंगे आईपीएल की, बात करेंगे मुंबई वर्सेस केकेआर के मैच की, और बात करेंगे स्पेशली मुंबई इंडियंस की। जी हाँ, वही मुंबई इंडियंस जो 5 बार की चैंपियन है। बट इस सीजन अगर आप देखेंगे या फिर पिछले 4 सीजन को देख लें तो एक बार सिर्फ प्लेऑफ गए हैं और वहां पर भी हार गए थे। यानी पिछले 4 साल में बहुत खराब प्रदर्शन किया है, और एक ऐसा सीजन था जहां पर स्टार्टिंग के 9 मैच लगातार ही हारे थे तब जाकर जीते थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस प्रकार से खराब प्रदर्शन किया है अब तक मुंबई इंडियंस ने। तो फिलहाल बात करते हैं अगर कल की मैच की। मुंबई इंडियंस आती है बॉलिंग करने, केकेआर बैटिंग करने को आती है। मुंबई आती है और मुंबई छाती है। शुरुआत के केकेआर के 5 विकेट सिर्फ और सिर्फ 57 रन पर गिर जाते हैं। बट इसके बाद कहानी क्या रहती है, इसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर और ये मैच खेल रहे हैं मनीष पांडे। दोनों के बीच गजब की पार्टनरशिप होती है। मनीष पांडे जो एक समय केकेआर का अहम हिस्सा थे, वो इस मैच में भी बखूबी साथ देते हैं वेंकटेश अय्यर का। जरूर बहुत ज्यादा तेज नहीं खेलते, 31 गेंदों पर 42 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर उनका जो पर्पल पैच है मुंबई के अगेंस्ट वो चल रहा होता है। जितनी भी 5-6 पारियां खेली है उन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, अभी तक सब में सॉलिड नजर आए पूरी तरीके से। वहां पर 1 सेंचुरी भी आई है, 3-4 50 है, 140 का स्कोर है, तो लगातार बहुत मारा है मुंबई इंडियंस को यहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने। तो कहानी उनके लिए तो यही थी, और यही रीजन रहता है कि टीम पहुंचती है 169 तक, हालांकि ऑल आउट हो जाती है। और इस मैच में एक और रिकॉर्ड बनता है कि आईपीएल में 4th इंस्टेंसेस रहा है जहां पर दोनों ही टीम जो हारी है या जो जीती है वो ऑल आउट हो गई है। तो यहां पर भी यही होता है, पहले केकेआर ऑल आउट होती है 19.5 ओवर में, देन सडनली हम देखेंगे जब मुंबई की बैटिंग आती है तो शुरुआत अच्छी रहती है। रोहित शर्मा और उनका साथ दे रन साथी ओपनर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ले जाते हैं 3 ओवर में स्कोर 35-36 तक, और सिर्फ 1 विकेट गिरा होता है। बट इसके बाद सडनली पहले नमन धीर, फिर रोहित शर्मा, फिर एक के बाद एक विकेट की झड़ी लग जाती है, और मुंबई की पारी होती है कभी संभाल ही नहीं पाती है। जब 5 विकेट होते हैं फिर 6th विकेट गिरता है, वहां से टिम डेविड और सूर्य कुमार यादव, एक समय लगता है कि ये पारी को संभालेंगे। सूर्या अपने 50 भी बनाते हैं लेकिन उस तरह से चीजें नजर नहीं आती हैं, और फिर उनके आउट होने के बाद लगातार मुंबई एक के बाद एक सारे विकेट खोकर 18.5 ओवर में ऑल आउट हो जाती है, और इस मैच को 20 रन से हार जाती है। 21 रन से इस मैच को हार जाती है, और ये कहानी उनके लिए यही रहती है कि यहाँ पर लगातार खराब प्रदर्शन जारी है, और उसका खामियाजा उनको इस बात से भुगतना पड़ेगा कि अब जो है वो प्लेऑफ की रेस से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। यानी अब मुंबई इंडियंस के पास जो मैथमेटिकली चांस था वो ही नहीं बचा है, और वो सडनली पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, और वो पहली टीम बने हैं जो इस आईपीएल टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। और इससे मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आरसीबी जो पहले बिल्कुल खराब प्रदर्शन कर रही थी वो भी अभी बाहर नहीं है, वो 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मुंबई सिर्फ और सिर्फ 12 तक पहुंच सकता है, और फिलहाल ये मैच हार चुका है। तो आप बताइए क्या लगता है, क्या अब मुंबई इंडियंस जब मेगा ऑक्शन होगा तो वहां पर वापसी कर पाएगी जिस प्रकार से पिछले 4 खराब सीजन रहे हैं उनसे, या फिर उस तरह का प्रदर्शन ही दोहराएगी? जो भी लगता है आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको।